आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। सर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सैनिक क्या है, सैनिक की जिंदगी क्या है। आप लोग अभी साहब ने बताया 1998 में उस समय साहब सिर्फ जम्मू टू श्रीनगर के लिए वे कर रहे थे। जाते समय रास्ते में जवाहर टनल लगता है, काजीपुर लगता है, या ऑलमोस्ट काफी अच्छा है। माने आप जाते समय ऐसा लगेगा आपको जवाहर टनल जैसे ही क्रॉस करोगे आप तो जैसा लगेगा आप स्वर्ग में जन्नत में जा रहे हो, बड़ा सुनहरा नजारा है। लेकिन उस जन्नत को इस गद्दार पाकिस्तानियों ने नर्क बना डाला है। मेरी पोस्टिंग कारगिल वार के समय मैं पोस्टेड ही उस एरिया में था जैन के बारामूला पोस्टेड थी मेरी 619 बटालियन, और मैं वो कोर बैटल स्कूल खेरू जिसे कारगिल से नजदीक एरिया पड़ता है वहां पे मैं पोस्टेड था, खेरू में गया हुआ था। एक्चुअल वार के समय में मूवमेंट नहीं थी, हम लोगों को वही खेरू में ही रखा हुआ था। वार जो एक्चुअल हमने जो नजदीक से देखा हुआ, जो मैंने जवानों को, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा कि एक फौजी हमारा जो बारामूला से उधर कुपवाड़ा से कामवाई मूव करती है, कुपवाड़ा से लेके श्रीनगर तक वाया बारामूला निकलती है, तो कुपवाड़ा से जब निकलती बारामूला सिनेज ब्रिज है झेलम से क्रॉस करती है, करते समय मैं उस समय 19 इन्फेंट्री ड्यूटी घातक दस्ते में, हमें टेम्पररी डिटेनमेंट मिला हुआ था बटालियन की तरफ से, तो पता चला आईडी ब्लास्ट हुआ है। आईडी ब्लास्ट हुआ जब मैं वहां पे हम लोग इमीडिएट जान पड़ता है, आईडी ब्लास्ट का संदेश वहां आवाज निकली नहीं उतने में क्यूआरटी घातक दस्ता वहीं पे पहुंच जाएगा आपका। जब वहां पे हम गए तो वहां आर आर की जो क्यूआरटी अपनी कार्रवाई के साथ जो फ्रंट में चलती है तो क्यूआरटी ने एक सुबेदार था, माने पूरा शरीर उसका चितर बितर हो चुका था। जब हम वहां पे उसको उठाने लगे, उठाया मैंने, मेरे साथ दो जवान थे, मेरा चिता ड्रेस पूरा ब्लड से लहू लपाट हो चुका था। तो साहब क्या बोल रहे थे पता आप लोगों को, माने जब वो उस समय हम उठा के फील्ड एम्बुलेंस के लिए निकल रहे थे तो उनके मुंह से एक ही लफ्ज निकल रहा था, साहब मुझे वचन दो कि इन पाकिस्तानी गद्दार को मार डालोगे, साहब मुझे वचन दो। उस समय ना उसकी बीवी नजर आ रही, ना बेटा नजर आ, ना भाई, सिर्फ मेरे से यही कहते कहते हम एम्बुलेंस तक पहुंचे। बारामूला सिटी के बगल में फुल एम्बुलेंस था, साहब वहां पे ही शहीद हो गए। फौजी की जिंदगी है एक्चुअल जो नजदीक से देखता है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल था कि विक्रम बत्रा का है जो कारगिल में शहीद हुआ था, विक्रम कारगिल वार के अंदर कारगिल बेस में रिटायरमेंट कारगिल से ही हुआ, ये लास्ट पोस्टिंग भी मेरे को कारगिल ही मिली थी 2015 मई में मैं वहां से रिटायरमेंट हुआ था कारगिल में, कारगिल बेस के ऊपर। एक्चुअल ये वार हमारा दोस्त कारगिल वार ऑलमोस्ट 2 महीना चला था, मई में फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो गया था कारगिल वार 3 मई से और 26 जुलाई तक, लेकिन ये 19 जुलाई तक एंड हो चुका था कारगिल वार। कारगिल वार का मेन सूत्रधार जो था पाकिस्तान ने क्या किया था, वो कहते हैं ना पीछे से वार करना, पीठ के पीछे खंजर खोपना, ये पाकिस्तान की शुरू से नीति। जो हम लोग पहले सोचते थे ना शिवाजी महाराज ने गनीमी कावा किया, इससे भी बेहतर गनीमी कावा गद्दारी का किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था। किस तरह से किया, जब बर्फ के सीजन में जब बर्फ गिरती है तो क्या होता है, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की दोनों कोस्टेस लगी हुई है, मोरा सेक्टर से शुरू हो जाता है उरी तंगधार इधर द्रास बटाली लास्ट तक निकल जाते हैं हम लोग, तो वहां पे कुछ एरिया चाइना का भी पड़ जाता है। तो जहां पे इधर से शुरू होता है मोरा द्रास बटाली इसके बाद कुछ लेह लद्दाख का एरिया आ जाता है आगे, तो बारिश बर्फ जब गिरेगी तब उनकी भी फौज जो है बर्फ के सीजन पे वो भी डाउन हो जाते हैं, हमारी भी डाउन हो जाती है बर्फ के टाइम पर। तो ये पहले से ही चल रहा था हमारा, लेकिन इन्होंने क्या किया था पता है, जब बर्फ पिघलती है उसके बाद, तो बर्फ पिघलने के बाद जब मई जून के बाद अपनी अपनी पोस्ट एक्चुअल बाद में वापस वहीं पे पहुंच जाती फौज, तो इन्होंने अपनी फौज डाउन ही नहीं की थी, पाकिस्तान वालों ने डाउन नहीं की। उन्होंने क्या किया, बर्फ के टाइम पर भी ये पूरे के पूरे पोस्ट कैप्चर करके बैठे हुए थे, और उसके बाद ये जो बकरवाल गुजर समाज है भेड़ बकर चराने वाला, इन लोगों के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पे कुछ हलचल चल रही है, यहाँ पे कुछ चल रहा है, तो इन्होंने इस तरह से धोखे से इनका उस समय जनरल मुशरफ उसके बाद अपना वहां का पीएम था नवाब शरीफ, इनके पूरा मनी पार्लियामेंट से पूरा प्लानिंग से ये चल रहा था इनका हलचल कि जो भी अपने जितना हो कारगिल तक ये पूरा का पूरा एरिया हमने कब्जा करना है। तो इसके लिए बोलते ना गली में कहा, इन्होंने अचानक वार के लिए ये प्लान कर लिया। जब लड़ाई शुरू हुई थी हमारे भारत देश के तकरीबन ऑलमोस्ट 527 जवान मैंने शहीद हुए,
और 1365 जवान घायल है इस वार के अंदर, और वहां का बेस क्या कारगिल के पास एक कारगिल का जो सूर नदी के किनारे भी खेत्रपा एक मंदिर है हमारा शिव जी का, वहाँ उसके बगल में बेस कैंप भी। ये पूरी मीटिंग कॉन्फ्रेंस लास्ट में की गई थी और 26 तारीख को इसका फाइनेंशियल किया गया था हमारे वार्ड। शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि जब हम यहाँ आए और आते ही हमारे अध्यक्ष साहब ने आयुक्त साहब के सामने हमारी एक छोटी सी चीज रखी, तो सर ने बैठते बराबर उसको एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि आपकी चीज मंजूर हो गई। कहने की बात यह है कि यह हमारा सम्मान है कि हमारे जुबान से बात निकली और वो मंजूर हो गई। और मैं मालेगांव के अंदर जो अभी अग्निपथ स्कीम जो चल रही है इंडियन आर्मी के अंदर, मैं उसके लिए बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, खासतौर पर ये चाहता हूँ सर, क्योंकि अपना शहर जो है अभी अपना शहर है, सरकार भी शहर है, तो वो मुस्लिम संख्या ज्यादा है, और मुस्लिम संख्या ज्यादा होने के साथ साथ बच्चे पढ़ाई करने के बाद बच्चों का रुझान यानी बच्चों के माँ बाप का रुझान कोई फोर्स की तरफ नहीं है, इंडियन आर्मी की तरफ नहीं है। इंडियन आर्मी बोला जाए कि किसी को बोला जाए कि आप किसी के माँ बाप को बोला जाए कि आप आर्मी के लिए बच्चे को भेजो या पुलिस के लिए भेजो, तो उनकी जुबान से पहला ही सवाल निकलता है कि मुसलमानों को लेते नहीं है। तो मैं उनकी यही शंका दूर करना चाहता हूँ सर कि ये देश सबका है, ना कि हिंदू का है ना ही मुसलमान का है, ये देश सबका है। और मैं आप लोगों से भी प्रार्थना ये करूंगा कि आप दुआ करें भगवान से अल्लाह से कि मैं जिन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो सब सिलेक्ट हो जाए। और सर ने भी मुझे कहा है कि आपको जो भी चीज की जरूरत लगेगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं बस इतना कह के अपने दोस्त खत्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत।